इस चैनल में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई है मोबाइल से रिलेटेड या किसी कैमरा से रिलेटेड, लेकिन आज के इस वीडियो में आपके लिए लाए हुए एक बजटेबल LCD स्मार्ट TV जो इस प्रकार से बॉक्स है मेरे पास देखने को मिलेगा। बेसिकली ये सैमसंग की तरफ से आने वाला 32 इंचेस TV होगा जो अंडर आपको 50,000 के अंदर मिल जाएगा। सो देखते हैं किस तरीके से होता है TV, क्या क्या इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या इसमें फंक्शनिंग होता है एंड क्यों होता है आपके लिए वैल्यू फॉर मनी। सो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। मेरा नाम है अंकुश, आप देख रहे हैं द टेक फार्मेसी यूट्यूब चैनल। तो फटाफट से पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। वैसे तो मैं अनबॉक्स करके दीवार पर टंगा है, लेकिन फिर भी आपको एक बार इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर इसका रिव्यू आपको देने वाला हूँ कि क्या क्या आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ये आता है कुछ इस प्रकार का बॉक्स, यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर लिखा गया है HD TV। बेसिकली ये HD ही है, ये एक 4K नहीं है, ये 1080p TV आता है HD 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये 1 स्टार है, तो इससे ज़्यादा कुछ मतलब ऐसे बनता नहीं। यहाँ पर आप सैमसंग का नाम देख रहे होंगे, ब्रांड नेम है सैमसंग है। इसमें आपको गाइड बुक मिल जाता है और बाकी थोड़ा बहुत नेट बोर्ड वगैरह देखने को मिल जाता है। जो TV है असली वो यहाँ पर हमने अप्लाई कर रखी है, अभी तक 1 महीना हो गया लगभग इसको चलाते हुए है। यहाँ पर आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पर ये देखिए न्यू अराइवल, ये इसमें फीचर मिल जाता है अल्ट्रा पिक्स HDR, पर्सनल कंप्यूटर आप इसको बना सकते हैं, कंटेंट गाइड एंड म्यूजिक सिस्टम वगैरह, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा क्या क्या मिल जाता है। इसके पीछे की तरफ के पोर्ट के बारे में हम बात करते हैं। इसमें आपको लगभग सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि जो जो ज़रूरी है USB केबल वगैरह मिल जाता है एंड साथ में आपको यहाँ पर देख रहे होंगे आप थोड़ा चीज़ें दिख रही है, जो जो फंक्शनिंग वगैरह ज़रूरी होता है वो सब कुछ मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाते हैं, 2 स्पीकर एंड ये इसका पावर बोर्ड वगैरह जो होता है वो दिया जाता है। इसका रिमोट जो है वो दिया गया है इस तरीके से, जैसे कि आप सिंपल सा देख रहे हो, ये पावर ऑन ऑफ है और अमेज़ोन वगैरह नेटफ्लिक्स वगैरह जो होता है सब कुछ दिया जाता है, प्राइम वगैरह जो जो अलग अलग बटन जो होते हैं यहाँ पर दिए गए हैं। एक बार हम इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑन हो चुका है स्मार्ट TV बाय टाइजन। बेसिकली एंड्रॉयड नहीं होता है, टाइजन की तरफ से सैमसंग का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो उस बिहार पे चल जाता है। थोड़ा बूटिंग टाइम थोड़ा सा लेता है, जो कुछ इस पर ऐप आप देख रहे होंगे, देखिए नेटफ्लिक्स TV, यूट्यूब, सोनी लिव, जियो सिनेमा गैलरी, ये ऑटोमेटिक इसमें रहते हैं, बट आपको अलग से ऑप्शन मिल जाते हैं। ऐप फंक्शनिंग में जाके आप अलग से ट्यून जो स्टेशन है वो यूज़ कर सकते हैं, जो ये ट्यून स्टेशन है यही म्यूज़िक सिस्टम जो होता है वो बना सकते हैं, जिसमें आप USB के थ्रू अलग अलग चल सकते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि कुछ आपको चैनल जो होते हैं लगभग, जैसे कि आप फ्री डिश वगैरह यूज़ करते हो, सैमसंग TV प्लस पे आप जैसे ही जाओगे, ठीक है, यहाँ पर आपको ये चैनल जो होंगे सारे डिश देख, मैं दिखाता हूँ एक बार, क्योंकि इसको नेट आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये चैनल जो हैं लगभग आपको 200 के करीब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो होंगे इसमें चैनल जो होंगे सारे दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जिसको आपको केवल नेट का ज़रूरत पड़ेगा। म्यूज़िक न्यूज़ वगैरह यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए ये न्यूज़ चैनल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको छतरी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नेट का रिचार्ज करना पड़ेगा, जो कि जो है सिंपल वाला है। वॉइस असिस्टेंट वगैरह जो होता है इसमें नहीं दिया गया है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। जैसे कि आप इसमें जाओगे ट्यून स्टेशन पे, ठीक है, तो ट्यून स्टेशन लोडिंग हो जाएगा और इस तरीके से दिखाएगा, हो सके नेट के बिना ना चले, ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा पूरा। और यहाँ पर जो है आपका ये देखिए USB प्लेलिस्ट मांग रहा है एंड बाकी स्टैंडर्ड वगैरह जो भी है। थीम्स में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर अलग अलग थीम आप अपने हिसाब से लगा सकते हो वगैरह, या फिर एक रिमोट के लिए तो 16,000 रुपये के अंदर ये बेस्ट TV आपके लिए हो सकता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर भी आप इसको बाय कर सकते हो। फिटिंग सैमसंग वाले अपने आप आते हैं अपने घर पे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ऑटोमेटिकली वो आ जाते हैं और इंस्टॉल वगैरह, प्री इंस्टॉल जो होता है सैमसंग फ्री जो होता है सर्विस वो दिया जाता है। तो TV की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, म्यूज़िक साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, साउंड क्वालिटी मैं आपको शिकायत से सुनाता हूँ एंड क्वालिटी अगर देखिए सब कुछ जो होता है वो इसमें ईजिली चल जाता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो एक अच्छा TV बनाता है एंड सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ आता है, तो कोई इशू बात नहीं है। 1 साल की फ्री होम सर्विस आपको मिल जाती है, सब कुछ यहाँ पर ऑप्शन वगैरह जो होता है वो दिया जाता है। सो गाइज, ये था कुछ आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वन वीडियो अच्छा लगा सो लाइक जरूर करें एंड कुछ भी डाउट्स हैं इस TV के रिकॉर्डिंग या
आप कुछ पूछना चाहते हैं उस टीवी के रिगार्डिंग तो आप हमें पूछ सकते हैं, कोई भी ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। मुझे जितना इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय जय भारत।